मैंने लुधियाना सिटी में टॉप करा है इन सीए फाइनल एग्जाम्स जो कि मई 2024 में हुए थे। ऐसा लग रहा है कि दुनिया हमने ही जीती है, शायद बेटी ने नहीं, शायद हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। और पढ़ाई में लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और बनना चाहिए, और अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनको, उनके लिए रोल मॉडल होना चाहिए। फीलिंग बहुत अच्छी है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ पहले तो भगवान का और मेरे पापा का, मेरी मम्मी का और मेरी बाकी सब फैमिली का कि मैं, मुझे ये अचीवमेंट मिली है। और शुरू से सीरियस थी और ये था कि नहीं, अचीव करना ही है। और जितने एडवेंचरस, रोलर कोस्टर वर्ल्ड के जितने भी हैं सब इसने किए हुए हैं, और एडवेंचरस बच्चा है, स्पोर्ट्समैन बच्चा है और ऑलराउंडर है। थैंक यू सो मच फॉर दी विशेज। मेरा नाम सीए चैतन्या बंसल है, तो अब मेरे नाम के पीछे सीए लगाना ही बहुत सरियल, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने लुधियाना सिटी में टॉप करा है इन सीए फाइनल एग्जाम्स जो कि मई 2024 में हुए थे। और मेरी जर्नी के बारे में बोलूँ तो सीए एग्ज़ाम के 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। और सीए फाउंडेशन, इनिशियली मुझे सीए करना ही नहीं था एंड मैं सिर्फ एक दिन पहले पढ़ी थी फॉर सीए फाउंडेशन, क्योंकि पापा को था कि जस्ट गिव दी एग्ज़ाम। तो व्हेन आई गेव सीए फाउंडेशन और मैं पास हो गई तो आई थॉट मे बी आई हैव इन इट have something for this profession। तो फिर उसके बाद मेरी जर्नी काफ़ी स्मूथ रही है। मेरा सी ए इंटरमीडिएट में भी आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटैम्प्ट एंड थैंकफुली सी ए फाइनल में ऑल्सो। पापा हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा ये बोलते थे कि एम जो है अपना हाई रखना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके बारे में नहीं सोचना। मैंने हमेशा से यही सोचा था कि ये जो है मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, इसके बाद मैं एग्ज़ाम नहीं लिखूंगी। और वैसा ही हुआ कि जो है मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुई। और मम्मा का भी बहुत इमोशनल सपोर्ट रहा है थ्रू आउट मेरे ऊपर। कभी भी कोई फैमिली या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, हमेशा मैं एक दिन में 10 से 11 घंटे पढ़ती थी, तो मम्मा हमेशा कि मेरे को क्या खाना है, किस टाइम खाना है, कैसे करना है, तो मम्मा उसका हमेशा ध्यान रखते थे। मैं कई बारी बहुत परेशान हो जाती थी तो मम्मा मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, इमोशनली मम्मा ने बहुत सपोर्ट करा। तो आपने बताया जा रहा कि दोनों एग्जाम की बात की और तो कैसा फील कर रहे? फीलिंग बहुत अच्छी है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ पहले तो भगवान का और मेरे पापा का, मेरी मम्मी का और मेरी बाकी सब फैमिली का कि मैं, मुझे ये अचीवमेंट मिली है। जी। आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगी कि सीए इज़ द मोस्ट नॉलेज इंटेंसिव एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल डिग्री इन कॉमर्स फील्ड इन इंडिया। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि कोई और डिग्री जो है होगी। और ये डिग्री के अंदर पावर है एक फैमिली की लाइफ को चेंज करने के लिए। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इस एस्टीम प्रोफेशन का पार्ट बनने को मिला। तो बाकी स्टूडेंट को भी क्या मैसेज है, आपने भी अचीव किया है, कहते हैं बहुत टफ है जो एग्ज़ाम होते हैं, बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या?
बस मेरा यही मैसेज रहेगा कि अगर हम ये सोचेंगे कि बहुत टफ है बहुत टफ है, तो फिर वो टफ ही रहेगा। अपना जो है टारगेट सेट करो कि मुझे एक ही अटेम्प्ट में पास करना है, या आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसी में ही पास करना है, एंड जस्ट गिव इट योर ऑल। जो आपके पास चार पाँच महीने हैं प्रिपरेशन के लिए, गायब हो जाओ, आई वुड जस्ट से दैट। और अपना सब कुछ एक चीज़ को अचीव करने के लिए दे दो। जी मैम, बताता मिसेज अनुराधा बंसल, मेरी बेटी का नाम चेतन्या है, और आज मैं आपको फीलिंग बता नहीं सकती कि कैसा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया हमने ही जीती है, शायद बेटी ने नहीं, शायद हमने ही कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। और लेकिन बेटी शुरू से स्टूडियस रही है, और ट्वेल्थ में भी जैसे थ्रू आउट टॉपर ही रही है, और शुरू से सीरियस थी, और ये था कि नहीं अचीव करना ही है, और इसने अचीव कर लिया। So, कैसे मैनेज करते थे आप, लेकिन आता था कि कितने देर तक पढ़ते थे, कैसा रहा? मुझे कुछ जहाँ तक याद है कि पिछले 6 महीने से तो शायद ये कमरे में ही थी, इसका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ रूम में ही होता था। कितने कितने दिन तक तो ऐसा लगता था कि हम चेतन्या से बात भी नहीं कर पाते थे, और बस मैं फिर थोड़ी देर इसके पास बैठती थी, परेशान हो जाती थी, तो उसको कहती कि नहीं बेटे कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। लेकिन फिर भी इसको था कि नहीं मैंने कुछ तो करना है, मैं कुछ तो करना है, तो उसने कर लिया। कैसे फील कर रहा है? प्राउड, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मतलब इंटायर फैमिली के लिए, इवन की दाद के फैमिली, नान के फैमिली, सबको इतना ज़्यादा प्राउड है चेतन्या पे कि सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जी सर, पहला तुसी सीए, आज बेटी भी सीए बन गई है, किस तरह फील? मैं फैमिली विच साडी सीए फ्रेटरनिटी दी जड़ी फैमिली है ओदे विच एक मेंबर होर आ गया जी, वेलकम, बड़ा चंगा लग रहा है जी। ते पहला कदे कोई एम नहीं सी, कोई इट इज नॉट यू नो इम्पोजिशन की इसने सीए ही करनी थी जी। ऐसे मेरी तरफ से कोई कुछ नहीं था, शी चोज दिस कैरियर, तो अपने आप इसमें आई है। और ये खाली स्टूडियस नहीं है कि 6 घंटे और 10 घंटे, शी इज़ अ यू नो एडवेंचरस, ये स्काई डाइवर भी है जी। और जितने एडवेंचरस रोलर कोस्टर वर्ल्ड के जितने भी हैं सब इसने किए हुए हैं, और एडवेंचरस बच्चा है, स्पोर्ट्समैन बच्चा है, और ऑलराउंडर है, और पढ़ाई में लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और बनना चाहिए, और अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनको उनके लिए रोल मॉडल होना चाहिए। और अभी पढ़ाई का एक पड़ाव है अभी, और सारी उम्र पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, तो और बहुत मेडल्स और बहुत लॉरेल्स अभी लेके आने हैं। नहीं, ये मैंने कभी ऐसा, मैंने शुरू में यही बोला कि मैंने कभी इम्पोज नहीं किया कि सीए ही करनी है, जो जो बच्चे का जो जैसे करियर चूज करना है, हाँ उसकी जो गाइडेंस है, जो प्रोज एंड कॉन्स है वो जरूर जो शेयर अपनी नॉलेज है जो जितना पता था वो जरूर की है। बताना चाहूँगा कि एक ये प्रोफेशन ऐसा है जिसको करने के लिए जो कॉस्ट है वो बाकी सब प्रोफेशन से बहुत कम है। आपने कोई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके लिए बहुत लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो ये हमारा एक प्रोफेशन ऐसे है जो एक आम आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। तो अच्छा प्रोफेशन है, अच्छी इज्जत है, आपके सिग्नेचर की वैल्यू है, आपके सिग्नेचर से ही जो चीज़ें हैं सर्टिफाई होंगी, तो इसीलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि उन सिग्नेचर की हम अपनी वैल्यू समझते हुए उस हिसाब से आगे चलें।